फ्रेंड्स, वेलकम टू आवर चैनल क्रिएटिव सिब्लिंग्स। आज हम मैथ्स जानेंगे। मैथ्स में हम राउंड अप टू द नियरेस्ट 100 का टॉपिक जानेंगे। जैसे पिछली बार हमने राउंड अप टू द नियरेस्ट 10 सीखा था, आई होप आप लोग को याद होगा। वैसे ही आज हम राउंड अप टू द नियरेस्ट 100 चुटकियों में सीखेंगे। चलिए शुरू करते हैं। रूल, इफ द नंबर इज ग्रेटर देन 5 वी ऐड 1। अगर नंबर 5 से ग्रेटर है तो हम 1 ऐड करें। If the number is smaller than 5, we add nothing. अगर वो 5 से smaller है तो हम कुछ नहीं ऐड करेंगे। तो चलिए सॉल्व करते हैं। नंबर क्या है? 590। अब 1 जो है 10th प्लेस पे, तो हम 1 को ही देखेंगे। 1 greater है 5 से कि smaller है? Smaller है, so हम nothing ऐड करेंगे इसमें। अरे 500 लिखा हो जाएगा। अब यहाँ हम फिर से अगले नंबर में देखते हैं 10th प्लेस। नंबर है 672 और इसमें 7 है 10th प्लेस पर, जो कि 5 से ग्रेटर है। तो ये नंबर में 1 ऐड हो जाएगा और ये 0 सब बन जाएंगे और ये 6 बन जाएगा 7। अब नेक्स्ट नंबर है 1630, तो इसमें 10th प्लेस पे 3 है, सॉरी। सो 3 स्मॉलर देन 5 है, सो हम लोग कुछ नहीं ऐड करेंगे इसमें। ये 1600 ही रहेगा। अब नेक्स्ट नंबर देखते हैं 1360। इसमें जो 6 है ये है 10th प्लेस पे, तो हम इसमें 1 ऐड करेंगे, ये बन जाएगा हमारा 1400। 8 is greater than 5, so हम इसमें 1 ऐड करेंगे, ये 800 हो जाएगा। नेक्स्ट नंबर देखते हैं 633। इसमें 3 ग्रेटर है कि स्मॉलर है? 3 इज स्मॉलर, सो वी विल नॉट ऐड। नाउ द नेक्स्ट नंबर इज 1799। यू हैव टू सी द 10th प्लेस, दैट इज 9, and 9 is greater than 5, yes, then we will add 1 to this and it will become 1800. Next, 9380, and in this number the 10th place is 8, and 8 is greater than 5, so we will add 1 to this number. This will become 9004. So I hope आप लोग को समझ।